राजस्थान में दो चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। फिलहाल कांग्रेस ने बांसवाड़ा सीट पर लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। साथ ही कांग्रेस ने बांसवाड़ा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इस सीट को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, लेकिन अब नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ गई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस इस सीट पर स्थिति साफ कर सकती है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट में कांग्रेस नेता आलाकमान से बीएपी से गठबंधन न करने का आग्रह कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बाप से गठबंधन का मन बना रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को बीएपी के प्रत्याशी का समर्थन करना पड़ेगा। वहीं राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि अगर कांग्रेस बाप गठबंधन होता है तो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक भी खिसकने का खतरा बना हुआ है। सूत्रों की माने तो बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को लेकर नाराज है। यही वजह है कि कांग्रेस से खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार, बांसवाड़ा के घाटोल विधायक नानालाल निमामा और अर्जुन सिंह बामनिया, कुशलगढ़ विधायक रमिया खड़िया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया आदि एक माह पहले ही पत्र लिख चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएपी से किसी तरह का गठबंधन ना किया जाए।